नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है कि मे बी आपने पहले नहीं देखा होगा। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। तो मैं एक बार पहले कीबोर्ड का प्लग लगा देता हूँ। अब दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहले देखिए। और हमारा जो टॉपिक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि टॉपिक है हमारा कि हम जो हमारे 12 स्वर होते हैं, 12 स्वर में हम कहीं से भी, यानी किसी भी चाबी से, जितने ये हमारे कीबोर्ड पर चाबी है ना, कहीं से भी हम किसी भी चाबी से राग भैरवी बड़े आराम से बजा लेंगे। मैं आज ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा आपको। और अपने दोस्तों क्या करना है, देखिए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन क्लास के लिए। और जो फीस है बहुत नॉर्मल फीस है, ठीक है दोस्तों। तो आप उसमें ऑनलाइन आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक है आज की राग भैरवी को हम किसी भी नोट से बड़े आसान तरीके से हम कैसे बजाएं, है ना। और अगर हम आसान तरीके से किसी भी नोट को बजाएंगे तो हमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। एक इस तरीके का आप कोई भी पेपर ले लीजिए, ठीक है। और इस पेपर का दोस्तों आपने क्या करना है, ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके का पेपर ले लीजिए आप पहले। और पेपर आपको कितना बड़ा काटना है ना, पेपर काटना है आपको सी शार्प नोट से ले लीजिएगा। और अगले सी शार्प नोट तक, ठीक है, सी शार्प से सी शार्प तक। तो आपने क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेट इतना बड़ा ये आपने काटना है, ठीक है। हार्ड पेपर लीजिएगा और इसमें दोस्तों आपने क्या करना है, इसमें आपने जहाँ जहाँ चाबी है हमारी वहाँ वहाँ आपने निशान लगाना है। लाइक जैसे पहली चाबी हमारी यहाँ है, ठीक है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है, चौथी यहाँ, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10, 11, 12 और 13। दोस्तों, ये 13 देखिए नोट हमें क्यों बनाने हैं, क्योंकि हम जब भी सारे गामा पाधानी सा बजाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिएगा, हम हमेशा 13 नोट बजाते हैं पूरे। देखिए इस तरीके से, अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, हमारे नोट टोटल कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। क्योंकि हम कभी नी तक नी बोलते, सारे सा तक ही जाते हैं हम हमेशा, सारे, है ना। तो इस तरीके से आपने इस पेपर पर मार्क कर लेने हैं ना। और मार्क करने के बाद में दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपका ये पेपर हो जाएगा। देखिए, मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है ताकि वीडियो में बहुत ज़्यादा विलंब ना हो और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, है ना। तो दोस्तों, ये मैंने राग भैरवी का ये मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो आप देखेंगे ऊपर जहाँ जहाँ मेरी चाबी है वहाँ वहाँ मैंने डॉट लगा लिया। देखिए, लाइक जैसे मेरी पहली चाबी राग भैरवी में, ठीक है, इस तरीके से राग भैरवी में मेरी चाबी आएगी, जैसे सा, ठीक है। फिर उसके बाद कोमल रे, उसके बाद कोमल गा, शुद्ध मा, पा, कोमल धा, फिर कोमल नी और सा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि ऊपर की तरफ में मैंने इसमें डॉट के निशान लगाए हुए हैं, जहाँ जहाँ मेरी चाबी है वहाँ वहाँ, है ना, ये देख रहे हैं मैंने उसको डार्क किया हुआ है, ठीक है। और नीचे मैंने कोमल अक्षरों के लिए, कोमल के जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो मैंने लगाए हुए हैं ना,
अब दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से बजाना है, तो यहाँ से तो हर कोई बजा लेगा, यहाँ से तो अगर सी शार्प से किसी को बजाना हो तो दोस्तों कठिनाई सबसे ज्यादा कहाँ आती है, जब ऑड नोट आता है, ठीक है, जैसे मान लो अब यहाँ से आ गया, या मान लो यहाँ से बजाना पड़े, या हमें यहाँ से बजाना पड़े, यहाँ से बजाना पड़े, यहाँ से बजाना पड़े, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं एक्स वाई जेड किसी भी नोट से, तो दोस्तों ये जो हमारा पैरामीटर है इसको हम थर्मामीटर बोलते हैं, और ये पूरा एक्यूरेट नाप के देगा आपको। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से बजाना है, तो आप सा को रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा, ये सा हो गया आपका, ये कोमल रे, ठीक है, शुद्ध रे कोमल गा, ये कोमल गा आ गया हमारा, ठीक है। अब कोमल गा के बाद में ये शुद्ध गा हो गया, ये हमारा माँ हो गया, ठीक है दोस्तों, माँ पर आ गया, ठीक है। अब माँ के बाद में हमारा पा कहाँ आएगा, यहाँ पर, और पा के बाद में कोमल धा आएगा हमारा यहाँ पर, उसके बाद में हमारा कोमल नहीं आएगा यहाँ पर, और सा आ गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए आप बिल्कुल एक्यूरेट चाबी वही आपकी आएंगी, करेक्ट दोस्तों। अब देखिएगा यहां से मैं दिखा देता हूं आपको, बिल्कुल इसको आप एक्यूरेट रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल बीच में ये निशान आना चाहिए आपका, सा रे गा मा, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर रख दिया, हाँ, एक्स वाई जेड आप किसी भी नोट पर रख लीजिए इसको, ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको निकाल के देगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट देखते हैं हम, अगर हमें ई नोट से बजाना है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, ई नोट से जो हमारा राग भैरवी बजेगा वो क्या बजेगा, सा रे गा मा, पूरा सारी सफेद पट्टी, एक एक भी इसमें कोई ब्लैक पट्टी नहीं आएगी, पूरी सफेद पट्टी आएंगी, और राग आपका ये भैरवी बजेगा, ठीक है। आप इसको दोस्तों किसी भी लीजिए, मैं आपको यहां से दिखा देता हूँ, लीजिए इस चाबी से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अब मेरी चाबी क्या आ रही है, देखिए आपके सामने सारे निशान आ रहे हैं, ये सा हो गया, कोमल रे हो गया, कोमल गा हो गया, मा हो गया, पा हो गया, कोमल धा, कोमल नी और सा। अब इसमें कितने ब्लैक आए दोस्तों, एक ब्लैक, ठीक है, दूसरा कोई ब्लैक इसके अंदर नहीं आ रहा है, अगर हम यहाँ से बजा रहे हैं ए नोट से, तो ठीक है, अगर हम इसको बी नोट से बजा रहे हैं यहाँ से, तो देखिए हमारा क्या हो गया, बी नोट से सा कोमल रे कोमल गा शुद्ध मा पा कोमल धा कोमल नी और सा। अब देखिए इसमें भी टोटल के टोटल कितने क्या आया, हमारे टोटल के टोटल वाइट नोट आए सारे के सारे, केवल एक ब्लैक आया हमारा ये वाला पा, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने एक पैरामीटर बनाएं, और इस तरीके की वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ये आपको ऐसी प्रैक्टिस करा देगा। इसको सामने रख लीजिए, जिस भी नोट से आपको बजाना है, मान लीजिए आपको यहाँ से बजाना है तो इसके सामने रख लीजिए, आपको यहाँ से बजाना है तो इसके सामने रख लीजिए, आप अपने हारमोनियम पर या कीबोर्ड पर, यहाँ से बजाना तो इसके सामने रख लीजिए, आपको यहाँ से बजाना तो इसके सामने रख लीजिए, और इससे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों 101% मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कभी ज़िंदगी में भूलेंगे ही नहीं आप। अगर दोस्तों मेरी वीडियो का कोई भी तोड़ मिल जाए ना आपको, तो आप मुझे बताना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हर आदमी इसका लाभ ले सके, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि हर देखिए कीबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड को तो आदमी ट्रांसपोज भी कर लेगा कहीं से भी, बट हारमोनियम वाले बेचारे क्या करेंगे। और देखिए वैसे तो ट्रांसपोज पर नहीं बजाना चाहिए, हमेशा रूट के थ्रू ही बजाना चाहिए, बट अगर आप सीखना चाहते हैं रूट बजाना तो फिर इस तरीके से आप एक पैरामीटर बना लीजिए। और दोस्तों मैं सभी कंप्लीट पैरामीटर दूंगा और बस आपको फिर सभी नोट्स के मैं जितने भी हमारे थाट हैं, जितने भी राग हैं, उन सभी के मैं पैरामीटर्स इस तरीके से बनाऊंगा आपके लिए। अलग अलग बहुत टेक्निकल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। ये वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों तक और दोस्तों इतना शेयर कर दो कि मुझे भी, देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो जाहिर सी बात है कि इतना तो हक मेरा ही बनता है कि मैं आपसे कह सकूँ कि आप वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा और कहाँ से आप देख रहे हैं, किस जगह से, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।